हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सिंपल सा इजी सा हेयर स्टाइल लेके आई हूँ कॉलेज गर्ल्स के लिए, और जिनके हेयर ये शोल्डर लेंथ है, काफ़ी शॉर्ट है, वो भी बना सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज बनाने वाली हूँ फुल कलरफुल फुल रबर बैंड की मदद से ये हेयर स्टाइल बनाऊँगी। आप चाहो तो पतले वाले रबर के बैंड भी ले सकते हो, इतना चौड़ा आपको नहीं चाहिए तो, लेकिन हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छी लगेगी। और हाँ, ये है लिपस्टिक किस ब्यूटी का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा लगता है। और यही शेड मैंने अभी लगाया हुआ है और मॉइस्चराइजिंग है, बहुत अच्छा है, लिप्स बहुत अच्छे रहते हैं इससे। और मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रही हूँ, उसमें अलग अलग शेड अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो। ये वाले लिपस्टिक का पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, एंड मैंने इसको अभी जस्ट यही लिपस्टिक अप्लाई किया हुआ है अपने लिप्स पे, तो आप चाहो तो ले सकते हो। प्रोडक्ट बाय पे क्लिक करके बाय कर लीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर पार्टी से करना है। आप गर्ल्स हो तो आप पे काफ़ी अच्छा लगेगा, और आपने वेस्टर्न ड्रेस पहना है तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इतने शॉर्ट हैं या फिर लॉन्ग है तो भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस तरीके से हेयर को लेंगे, एक बॉक्स बना के इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ग्रीन कलर वाला रबर बैंड, क्योंकि फ्रंट के हेयर मेरे वैसे बहुत छोटे भी हैं, तो आप इतने भी लेंथ के हेयर में बना सकते हो ये हेयर स्टाइल। मैंने हेयर को बैक में कर दिया ताकि मेरे को ये रबर बैंड लगाने में दिक्कत ना आए। इस तरीके से आपको लगाना है, देन सेम दूसरी साइड भी करना है। इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है बालों में। फ्रंट में आप सेम कलर का रबर बैंड लगाइएगा। ओके, अब इसी लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से हेयर लेना है इस तरीके से। और ये वाला जो हेयर है आपका, उसको इसमें मिक्स कर देना है। और जो भी रबर बैंड आपने लिया है उसको यहाँ पे लगा दो। सिंपल है, इजी है, छोटा वाला पतला वाला रबर बैंड भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। इस तरीके से सेम इसी तरीके से आपको साइड के भी हेयर को लेना है। लाइन एकदम बराबर होनी चाहिए। रबर बैंड को थोड़ा टाइटली लगाइएगा, क्योंकि कॉलेज वगैरह जाते हो तो 4-5 घंटे तक आपका हेयर स्टाइल जो है वो रहना चाहिए इसी तरीके से। और छोटी बच्चियों के भी काफ़ी अच्छा लगेगा, छोटे छोटे बाल रहते हैं, तब इस तरीके से उनके ये वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो। ये मोटा रबर बैंड होने की वजह से ये काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे लुक भी आ गया है। और ये वाला जो हेयर है उसको टाइटली इस तरीके से रखना है दोनों साइड से। तो इस तरीके का लुक दिखेगा फ्रंट से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। उसके लिए आपको इसको ओपन करना, ओपन करना भी बहुत ईजी है, सिंपली आप रबड़ बैंड को खींच दोगे। पतला वाला रबड़ बैंड होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट डोंट वरी, आराम से खुल जाएगा। अब सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको जो आपने रबड़ बैंड लगाया है इसको थोड़ा इस तरीके से फैला लेना है। इस तरीके से करना है, इस तरीके से हेयर को बीच बीच से खींच लेना है।
सेम इसी तरीके से इसमें भी करना है। इस तरीके से हेयर दिखना चाहिए, देन बैक में लेके जाएंगे। इस तरीके से क्रॉस कर देंगे और पहले इसको आगे की तरफ कर देते हैं और यहाँ पे हेयर को उठाएंगे। हाफ हेयर ले लेना है, एक रबर बैंड लेंगे लगा देंगे यहाँ पे। छोटे बालों के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल और बिल्कुल न्यू है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से करने के बाद रबर बैंड को टाइट कर लेंगे और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हेयर का पार्ट लेना है इस तरीके से और रबर बैंड के चारों तरफ लपेट के जिस तरीके से जैसे हमारा रबर बैंड दिख रहा है उसको हाइड कर लेंगे और बैक साइड में एक टिक टैक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप की मदद से सिक्योर कर लेंगे और दैट्स इट। तो ये भी काफ़ी अच्छा और डिफरेंट सा लग रहा है एंड प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो और ये लिपस्टिक आप जरूर लीजिएगा प्रोडक्ट बाय पे क्लिक करके। इसके साथ आप राउंड वाली इयररिंग्स पहनोगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी जो इस तरीके की होती है। ब्लैक में चॉइस है आपकी, आप जैसा पहनना चाहो वैसा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको इस तरीके की इयररिंग्स पहन के दिखा रही हूँ तो आप है ना अच्छी लग रही है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और इस तरीके का इयररिंग्स ऐसा हेयर स्टाइल कर दे वो वेस्टर्न ड्रेस के लिए तो आप इस तरीके की इयरिंग्स रखा कीजिए। बड़ी बड़ी बालियाँ जो होती हैं इस तरीके की विंग्स। तो कैसी लगी आपको हेयर स्टाइल, ये मेरा छोटा सा हेयर मेरे को परेशान कर रहा है, मैं इसको अंदर की तरफ करके इस तरीके से करती हूँ। तो आई होप कि आपको दोनों हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और मेरे हेयर पे मेरे चैनल पर शॉर्ट हेयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है एंड लॉन्ग हेयर के लिए भी है और डोनेट बन के साथ एक क्लचर के साथ रबर बैंड के साथ बहुत सारी इस टाइप की हेयर स्टाइल की वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी।